रोहन बेटा, दुकान में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से नुकसान हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। पापा, आपको जासूस की जरूरत है। मेरी मानिए, मैं हूँ ना, मैं ही आपका जासूस बन जाऊंगा। तू क्या करेगा बेटा, ये व्यापार की बातें हैं, खेलने कूदने की नहीं। पापा, आपको लगता है कि मैं सिर्फ खेलता हूँ? आप एक बार मुझे मौका तो दीजिए, देखते हैं आपके इस छोटे से जासूस का कमाल। अजय रोहन को दुकान आने की इजाजत दे देता है। रोहन को कुछ शक हो जाता है, वह ठान लेता है कि इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। अगले दिन रोहन अपने पापा के साथ दुकान पर पहुंचता है। दुकान का माहौल भारी होता है, काम करने वाले कर्मचारी अपना अपना काम करते हैं, लेकिन रोहन की तेज नजरें इधर उधर घूमने लगती हैं। पापा, ये दुकान तो बहुत बड़ी है, कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ? 4 लोग हैं, लेकिन फिर भी लाभ कम हो रहा है, शायद मार्केट डाउन है। मार्केट डाउन है या कुछ और गड़बड़ है, ये तो मैं पता लगाऊंगा। रोहन चुपचाप दुकान के चारों ओर घूमता है, वह काउंटर, गल्ला और स्टॉक की गिनती ध्यान से देखता है। अरे, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, सामान की गिनती सही नहीं लग रही और ये काउंटर पर बैठे कर्मचारी कुछ ज्यादा ही लापरवाह लग रहे हैं। रोहन अब छानबीन करने का मन बना लेता है। अगली सुबह रोहन चुपके से दुकान के स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है। अब देखता हूँ कौन है असली चोर। कर्मचारियों में से एक, रमेश, जो काउंटर पर बैठता है, धीरे धीरे कुछ रुपये अपने डब्बे में डाल लेता। अरे वाह, तो यहाँ पर रमेश मियाँ अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, पापा को ये पता ही नहीं। वह चुपचाप बाहर आता है और अपने पापा को बताने का फैसला करता है। पापा, मैंने पता लगा लिया है, आपकी दुकान में चोरी हो रही है। क्या चोरी? लेकिन कैसे, कौन? पापा, मैंने रमेश को देखा, वो काउंटर से पैसे चुरा रहा था। रमेश, ये तो मेरे सबसे पुराने कर्मचारियों में से है, ऐसा कैसे हो सकता है? पापा, बड़े बड़े चोरों का पकड़ा जाना मुश्किल होता है, लेकिन छोटे जासूस की नजर से कोई नहीं बच सकता। रमेश, तुमने मुझे धोखा दिया, इतने सालों से तुम चोरी कर रहे थे। साहब, मैं बस थोड़े पैसे ले रहा था, मेरा इरादा गलत नहीं था। गलत इरादा हो या ना हो, तुमने चोरी की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और फिर रोहन कर्मचारियों के साथ दोस्ती करता है और धीरे धीरे उनके बीच का माहौल समझने लगता है। उसे पता चलता है कि रमेश अकेला नहीं था, दुकान के स्टॉक में भी गड़बड़ी हो रही है। कुछ सामान जो आता है वह कभी स्टॉक में दर्ज नहीं होता, रोहन की जासूसी जारी रहती है। स्टॉक की गिनती क्यों हमेशा गलत होती है? कहीं आपके पास जादू की छड़ी तो नहीं? अरे, जादू की छड़ी तो हमारे मालिक के पास है, हम बस मेहनत करते हैं। वह कुछ कर्मचारियों को आपस में कानाफूसी करते हुए देखता है। वह गड़बड़ी के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। अब रोहन ने पक्का सबूत इकट्ठा कर लिया है, वह कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़वाने का प्लान बनाता है। पापा, आपके ऑफिस के रिकॉर्ड्स भी सही नहीं है, कई बार सामान दर्ज ही नहीं किया जाता लेकिन बिल बन जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, हम तो हर चीज का हिसाब रखते हैं। पापा, कोई आपके रजिस्टर में भी छेड़छाड़ कर रहा है, मुझे लगता है कि आपको नए सॉफ्टवेयर की जरूरत है और जो लोग इसे हैंडल कर रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। एक दिन जब सब दुकान में होते हैं, रोहन अपने पापा के साथ पुलिस को बुला लेता है। अचानक पुलिस दुकान में दाखिल होती है और सारे कर्मचारी घबरा जाते हैं। तुम लोग सोचते थे कि तुम चोरी करोगे और बच जाओगे, अब जेल में बैठकर हिसाब करना। अजय अब समझ चुका होता है कि उसकी दुकान में किस तरह की गड़बड़ चल रही थी। बेटा, तू तो सच में जासूस निकला, तुझे देखकर मुझे गर्व होता है। पापा, गर्मियों की छुट्टियों में कुछ तो धमाल करना था ना, अब आपका व्यापार फिर से पटरी पर आ जाएगा। रोहन, तूने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया, अगर तू ना होता तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाता कि दुकान में क्या चल रहा था। पापा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं हूँ छोटा जासूस, अब तो आप मान गए ना। हाँ बेटा, तूने साबित कर दिया कि जासूस भी सिर्फ बड़े बड़े अफसर ही नहीं बनते, बल्कि छोटे छोटे बच्चों में भी ये हुनर होता है।